नरेंद्र मोदी जी, हमर बाबूजी लालू जी तारा से ना डरा है और तार गुरु अडवाणी जी से ना डराइले, तो लालू जी के लड़के डरे वाला है। हमारे भगवान का जन्म जल्द हुआ था, 4 जून के बाद हम लोग फरिया लेंगे कि किसका क्या होता है। और तेजस्वी खाटी बिहारी हो, गुजराती से घबराए वाला नहीं थे। बताओ बिहारी लोग गुजराती लोग से डरा हुआ वो लड़ेंगे जीतेंगे और तानाशाही को खत्म करेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पैमानों का राज बदल दो। एक काम अगर नरेंद्र मोदी अत्री के लिए किया हो तो बता दो। कभी आए भी नहीं, कुछ नहीं, तो अत्री की जनता भी वोट नहीं देगी इस बार। इस बार लाल टेंट को वोट देके जहानाबाद में परिवर्तन लाएगी। देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने आरक्षण 75% बढ़ाया, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासी सब भाई का 75% बिहार में हम लोगों ने किया, मानदेय को दुगुना किया। हम लोगों ने 17 महीने काम करके दिखाया है। लेकिन आप जानते हैं हमारे कमर में हड्डी में चोट है, इसलिए बैठ के बोलना पड़ रहा है। लेकिन इस अवस्था में भी लगभग हमने 250 के आसपास सभा किए हैं। डॉक्टर साहब तो बोल दिए थे दूसरा चरण के बाद ही कि बेड रेस्ट कीजिए। हम डॉक्टर साहब के कहानी, ए डॉक्टर साहब, हम तब तक बेड रेस्ट ना लें जब तक नरेंद्र मोदी जी के बेड रेस्ट ना करा दें। मोदी जी ने 10 साल बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार ने 40 में से 39 सांसद दिया, लेकिन केवल और केवल बिहार को साथ सौतेला व्यवहार किया गया, बिहार के लोगों को ठगने का काम किया गया। अत्री की जनता से हम पूछना चाहते, एक काम नरेंद्र मोदी अगर अत्री के लिए किए हो तो बता दो। एक काम अगर नरेंद्र मोदी अत्री के लिए किया हो तो बता दो। कभी आए भी नहीं, कुछ नहीं, तो अत्री की जनता भी वोट नहीं देगी इस बार। इस बार लाल टेंट को वोट देके जहानाबाद में परिवर्तन लाएगी और सुरेंद्र जी को जिताएगी और लालू जी राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेगी। देखिए, हम लोग तो सोचे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे तो 10 साल का हिसाब देंगे कि 10 साल वो क्या किए, 5 साल क्या करेंगे अगर जीत के जाएंगे तो। लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार आए और बिहार आकर के तेजस्वी को बोलते हैं कि जेल भेज देंगे। उन्होंने क्या बोला नरेंद्र मोदी जी ने कि हमको जेल भेज देंगे चुनाव खत्म होने के बाद। हम कहना चाहते, मेरा गुनाह यही है कि हमने नौकरियां दी, हम गरीब की आवाज उठाते, हमने आरक्षण बढ़ा दिया पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों का, ये मेरा गुनाह। किसान के साथ खड़े हैं हम, नौजवान की बात करते हैं, यही मेरा गुनाह है। क्या गुनाह है कि नरेंद्र मोदी जी को अकेले हम बिहार में हरा रहे, ये मेरा गुनाह है, क्या मेरा गुनाह है। अरे नरेंद्र मोदी जी, हमार बाबूजी लालू जी तारा से ना डरा है और तार गुरु अडवाणी जी से ना डराइले, तो लालू जी के लड़के डरे वाला है। हमारे भगवान का जन्म जल्द हुआ था, 4 जून के बाद हम लोग फरिया लेंगे कि किसका क्या होता है। अत्री की जनता हमारी मालिक जवाब देगी, जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हम बोले बिहार है बिहार, और तेजस्वी खाटी बिहारी हो, गुजराती से घबराए वाला नहीं थे। बताओ बिहारी लोग गुजराती लोग से डरा हुआ वो लड़ेंगे जीतेंगे और तानाशाही को खत्म करेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो,
पैमानों का राज बदल दो। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को पूरे देश भर में नौकरी देंगे। गरीब बहन के खाता में हर साल 1 लाख रुपया देंगे, यानी हर महीने 8,333 रुपया गरीब परिवार की बहन को मिलेगा खाता में। और 500 रुपया कर देंगे गैस सिलेंडर का दाम, 200 यूनिट फ्री में बिजली करा दिया जाएगा, अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो समय कम है, हम कहने आए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज अतरी की जनता से तेजस्वी कहने आया है तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। आशीर्वाद दीजिए। और तेजस्वी का कमर का दर्द जो हड्डी में है वो बेरोजगारी के दर्द से बहुत कम है, गरीबी महंगाई के दर्द से बहुत कम है। जब तक अपने नौजवान भाइयों को हर हाथ काम नहीं दिला देता तेजस्वी यादव बैठने वाला नहीं है, आपकी लड़ाई लड़ेगा। तो हाथ उठा करके आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए। सुरेंद्र जी को विजय का माला पहना दो ना, पहना दो ना। चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। अतरी की जनता बहुत बहुत धन्यवाद।